बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान स्कूल मस्कत। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज हम सबक नंबर 20 एहसन की ईद का सवाल नंबर 2 और 3 करेंगे। बच्चों, इस सबक में आप पढ़ेंगे कि एहसन ने अपनी ईद किस तरह मनाई। बच्चों, आइए अब हम सबक नंबर 20 एहसन की ईद का सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाएं। ये काम आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 148 पर करेंगे। बच्चों, यहाँ आपके लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपको इनके मायने अच्छी तरह आने चाहिए ताकि जुमले बनाने में आसानी हो। बच्चों, पहला लफ्ज़ है परवाह। इसका मतलब है किसी का ख्याल करना, किसी का एहसास करना। इसका जुमला बनाएंगे, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। बच्चों, नंबर 2 पर है रंगीन। इसका जुमला है, अहमद ने बकरे के गले में रंगीन माला डाली। नंबर 3 पर है त्यौहार। इसका मतलब है खुशी का दिन। ईद खुशी का त्यौहार है। नंबर 4 ज़ईफ। इसका मतलब है बूढ़े। हमीद साहब ज़ईफ आदमी थे। नंबर 5 है महरूम। कोई चीज़ मयसर ना होना या कोई चीज़ ना मिलना। बच्चे, इसका जुमला बनाएंगे, बस में सवार मुसाफिर अपने सामान से महरूम हो गया। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, हमीद साहब ईद की खुशियों से महरूम थे। बच्चों, इनके अलावा आप अपने जुमले भी बना सकते हैं। बच्चों, अब हम सबक नंबर 20 एहसन की ईद का सवाल नंबर 3 करेंगे। मुंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब दें। नंबर 1 है, एहसन का बकरा कैसा था। बच्चों, एहसन का बकरा कैसा था। जवाब, एहसन के बकरे की सफ़ेद खाल पर भूरे धब्बे थे और गले में रंगीन माला थी। बच्चों, सवाल नंबर 2 है, हमीद साहब ने बकरा क्यों ना खरीदा। जवाब, हमीद साहब बूढ़े थे और उनकी कमाई का कोई जरिया ना था, इसलिए उन्होंने बकरा नहीं खरीदा। सवाल नंबर 3 है, एहसन ईद की नमाज पढ़ने के बाद किसका इंतज़ार करने लगा। बच्चों, इसका जवाब होगा, एहसन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कसाब का इंतज़ार करने लगा। बच्चों, क्योंकि कसाब ने आकर उसका बकरा ज़िबह करना था, इसलिए वो कसाब का इंतज़ार कर रहा था। बच्चों, हमारा सवाल नंबर 4 है, ईद कैसा त्यौहार है। जवाब, ईद खुशी का त्यौहार होता है। ये ईद हमें इसारो कुर्बानी का सबक देती है। बच्चों, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर हमें
अल्लाह की राह में हर चीज़ कुर्बान करने का सबक दिया है। इसी तरह हमें भी अपनी सारी नाराज़गियाँ भूलकर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलना चाहिए और ईद पर एक दूसरे को तोहफे देने चाहिए। बच्चों, हम ईद उल अज़हा पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करने के लिए इन तमाम जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हमें अल्लाह की राह में हर किस्म की कुर्बानी करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।